Hello everyone. So quickly I'll be talking about this APA, MLA and Chicago style. बहुत सारे students को इन three concepts में बहुत ज़्यादा doubt होता है, बहुत ज़्यादा difficulty आती है. So बहुत जल्दी से हम इन तीन concepts के बारे में दो बहुत important चीज़ जानेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें तो APA, MLA और Chicago में difference क्या है, ये है क्या? तो APA, MLA और Chicago style ये तीन big styles हैं of writing a reference in your research report. जब आप अपनी research report में reference देते हो तो आप तीन main या popular styles को use करते हो, which is APA, MLA and Chicago. Now इनमें difference क्या होता है? So APA is used for the science subjects. सबसे पहला difference है subjects के basis पे and APA use होता है science subjects के अंदर. Whereas MLA का हम यूज करते हैं अंडर ह्यूमैनिटीज, मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज को यूज करते हैं. एंड शिकागो इज यूज बाय बिजनेस स्टूडेंट्स, सो सारे बिजनेस स्टूडेंट्स यूज करते हैं शिकागो स्टाइल को. राइट, द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि हमारी जब हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो APA के अंदर, MLA के अंदर और शिकागो के अंदर क्या दो इम्पॉर्टेंट चीजें जाती हैं. सो APA के अंदर जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो, जब भी आप अपनी रिसर्च वर्क लिख रहे हो, तो APA के अंदर दो चीजें जाती हैं, दैट इज इन टेक्स्ट साइटेशन एंड रेफरेंसेस. सो दो चीजें होंगी आपके APA के अंदर इंक्लूड, इन टेक्स्ट साइटेशन एंड रेफरेंस पेज. वेर एज MLA के अंदर जो दो चीजें जाती हैं वो है आपका इन टेक्स्ट साइटेशन अगेन, बट रेफरेंस पेज को हम MLA के अंदर बोलते हैं वर्क साइटेड पेज. राइट, सो MLA के अंदर जाएगा इंटेक साइटेशन वर्क साइटेड पेज. शिकागो के अंदर इंटेक साइटेशन नहीं जाता है, शिकागो के अंदर जाते हैं नोट्स. दैट मीन्स शिकागो में या तो आप फुट नोट यूज करते हो या एंड नोट यूज करते हो, एज वेल एज शिकागो के अंदर रेफरेंस की जगह लिखा जाता है बिब्लियोग्राफी. सो दीज आर द टू मेन डिफरेंसेज बिटवीन दीज थ्री स्टाइल्स. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसका नोट बना लो. इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी, गुलशन अख्तर, योर पेपर वन फैकल्टी एट बायजूस एग्जाम प्रेप. सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंड यस प्लीज मेक श्योर कि लाइक कर लो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए, बट यस छोटी एंड बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए. थैंक यू सो मच.